हम में से बहुत से लोग आयतुल कुर्सी पढ़ते तो हैं, लेकिन बगैर समझे, बगैर जाने कि ये आयत बताती क्या है। है तो ये एक आयत, लेकिन इसकी फजीलत के बारे में बहुत सी अहादीस वारिद हुई हैं। तिर्मिजी की एक रिवायत है हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हों से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज का कुहान और बुलंदी है, यानी हर चीज की बुलंदी होती है, और कुरान हकीम की बुलंदी सूरत अल बकरा है, और इसमें आयतुल कुर्सी तमाम आयतों की सरदार है। यानी हर चीज की एक बुलंदी होती है, कुरान की बुलंदी किसमें है? सूरत अल बकरा में, और सूरत अल बकरा में एक आयत है जो तमाम आयतों की सरदार है, और वो कौन सी आयत है? आयतुल कुर्सी। हजरत उबई इब्ने काब से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबुल मुंदिर, अल्लाह की किताब में तुम्हारे पास सबसे अफसल आयत कौन सी है? अर्ज किया, अल्लाह और उसका रसूल खूब जानता है। आपने फरमाया, ए अबुल मुंदिर, अल्लाह की किताब की आयात में कौन सी आयत तुम्हारे पास सबसे बड़ी है? उन्होंने अर्ज किया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ मारा और फरमाया, अबुल मुंजिर, तुम्हें तुम्हारा इल्म मुबारक हो। यानी वाकई ये आयत सबसे बड़ी आयत है। इसके बारे में आता है, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ ले, उसे जन्नत में जाने से कोई चीज नहीं रोकेगी सिवाय मौत के। इसे इब्ने मर्दुया ने रिवायत किया है। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा बिन इमरान की तरफ वही की कि हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, जो शख्स ये करेगा मैं उसे शुक्रगुजार दिल, जिक्र करने वाली जबान दूंगा। इस पर हमेशगी सिर्फ नबियों से होती है, या सिद्दीकों से, या उस बंदे से जिसका दिल मैंने ईमान के लिए आजमा लिया हो, या उसे अपनी राह में शहीद करना चाहता हूँ। यानी इस आयत की पाबंदी हर फर्ज नमाज के बाद अल्लाह के खास बंदों से ही होती है। बस अपने आप को चेक कर लें कि आप उनमें शामिल हैं कि नहीं। क्योंकि हम नमाज में कुछ सोचते रहते हैं, जो ही सलाम फेरते हैं फिर बगैर कुछ सोचे समझे जो सोच रहे होते हैं उसको बयान करने लगते हैं, और ये भूल जाते हैं कि ये वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ने का है। लेकिन जब इंसान का दिल अल्लाह की तरफ माइल हो जाता है तो फिर नहीं भूलता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए उस घर से शैतान निकल जाता है। इसके बारे में एक रिवायत है जो बुखारी की है, सही हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सदक़े फितर की हिफाजत पर मुकर्रर किया। फितराना जमा हो रहा था और आपने उसकी हिफाजत के लिए उनको एक तरह से चौकीदारी दी। कोई शख्स आया और गल्ला चोरी करने लगा, मैंने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। वो कहने लगा, मैं मोहताज हूँ, अयालदार हूँ, सख्त तकलीफ में हूँ। चुनांचे मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो आपने मुझसे पूछा, अबू हुरैरा, आज रात तुम्हारे कैदी ने क्या कहा था? मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने मोहताजी और अयालदारी का शिकवा किया था, मुझे रहम आया तो मैंने उसे छोड़ दिया। आपने फरमाया, ध्यान रखना, वो झूठा है, वो फिर तुम्हारे पास आएगा। चुनांचे अगली रात वो फिर आया और गल्ला उठाने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा, आज तो जरूर मैं तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। वो कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं मोहताज हूँ, अयालदार हूँ, आइंदा नहीं आऊंगा। मुझे फिर रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी ने क्या किया? मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने सख्त मोहताजी और अयालदारी का शिकवा किया, मुझे रहम आ गया तो मैंने उसे छोड़ दिया। आपने फरमाया, ध्यान रखना, वो झूठा है, वो फिर आएगा। चुनांचे तीसरी बार मैं ताक में रहा, वो आया और गल्ला समेटने लगा। मैंने कहा, अब तो मैं तुम्हें जरूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। अब ये तीसरी बार है, तू हर बार यही कहता है कि फिर ना आऊंगा, मगर फिर आता रहा। उसने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें चंद कलमे सिखाता हूं जो तुम्हें फायदा देंगे। मैंने कहा, वो क्या है? कहने लगा, जब तू सोने लगे तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया कर, अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता तेरा निगहबान होगा और सुबह तक शैतान तेरे पास न आएगा। सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, तेरे कैदी ने आज रात क्या किया? मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी बात बतला दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने ये बात सच्ची कही, हालांकि वो झूठा है। फिर आपने मुझसे कहा, अबू हुरैरा, जानते हो तीन रातों से कौन तुम्हारे पास आता रहा है? मैंने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शैतान था जो इंसानी शक्ल में आ रहा था।
अच्छा, आपने देखा होगा कि बाज लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि उनके पैसे लॉकर में से और ताले में से चोरी हो जाते हैं। एक ऐसी जगह से उनके पैसे चुराए जाते हैं कि जिसकी चाबी उनके सिवा किसी और के पास नहीं। ये भी इहतमाल हो सकता है कि इसी किस्म का कोई शैतान आकर ऐसी हरकत करता हो। तो उसका हल यही है कि इंसान सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़कर चारों तरफ फूंक मारे तो फिर हिफाजत हो जाती। आप घर से निकलने लगे या ऐसे अपने लॉकर को लॉक करने लगे तो आयतुल कुर्सी पढ़कर उस पर फूंक मार दे तो अल्लाह ताला एक चौकीदार मुकर्रर कर देंगे एक फरिश्ते को, फिर कोई नहीं चुरा सकेगा उसको। तो बहरहाल आयतुल कुर्सी जो है ये बहुत ही फजीलत वाली आयत है। चलिए अब देखते हैं कि इस आयत में है क्या। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह ताला उसके सिवा कोई इलाह नहीं। इलाह कौन होता है? इसका माना आमतौर पर माबूद किया जाता है, लेकिन बुनियादी तौर पर इलाह का माना होता है खालिक, राजिक, मालिक, हाजत रवा, मुश्किल कुशा, इबादत के लायक। जाहिर है जिसने पैदा किया, जो रोजी देता है, वही मालिक होने का हकदार है। फिर जो हमारी हाजतें पूरी करता है, जो हमारी मुश्किलें आसान करता है, वही इस लायक है कि हम उसकी इबादत भी करें। तो अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह ताला वही इबादत के लायक है। अल हय्युल कय्यूम, जिंदा है, कायम रहने वाला है, दूसरों को कायम रखने वाला है। ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, न उसको ऊंग आती है और न नींद आती है। लहू मा फिस समावाति वमा फिल अर्द, उसी के लिए है जो आसमानों में है और जो जमीन में। मन ज़ल्लज़ी यश्फ़ौ इंदहू इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो उसके पास सफारिश कर सके मगर उसी के इज़्न से। यालमु मा बैन अयदीहिम वमा खल्फहुम, वो जानता है जो उनके आगे है और जो उनके पीछे है। वला युहीतून बिशैइम मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, और वो उसके इल्म में से किसी चीज का इहाता नहीं कर सकते मगर जो वो खुद चाहे। फिर फरमाया वसिया कुर्सीयुहु समावाति वल अर्द, वसी है उसकी कुर्सी आसमानो जमीन पर। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, और नहीं थकाती उसको इन दोनों की हिफाजत। वहुवल अलीयुल अजीम, और वो बुलंद है बहुत बड़ा। ये है अल्लाह ताला का तारुफ। क्या? नंबर एक, उसके सिवा कोई इलाह नहीं। नंबर दो, वो जिंदा है। नंबर तीन, कायम रहने वाला है, कायम रखने वाला है। नंबर चार, उसको नींद और ऊंग नहीं आती। नंबर पांच, आसमानो जमीन का मालिक वही है। नंबर छः, उसके पास किसी की सफारिश काम न करेगी मगर उसी की इजाजत के साथ, यानी सारा इख्तियार क़यामत के दिन उसी के पास होगा। नंबर सात, इंसानों के सामने और इंसानों के पीछे यानी उनका माजी और मुस्तकबिल सब का इल्म वो रखता है। नंबर आठ, उसके इल्म में से कोई कुछ नहीं ले सकता मगर जितना वो चाहे, यानी अल्लाह के इल्म जैसा इल्म किसी और का नहीं। नंबर नौ, उसकी हुकूमत, कुदरत, अजमत, इक्तिदार या इल्म आसमान और जमीन पर मुहित है, छाया हुआ है। और नंबर दस, इन दोनों की हिफाजत उसके लिए कुछ मुश्किल काम नहीं। नंबर ग्यारह, वो बहुत बुलंद, बहुत अजीम है।